हम बैठ के जब पीडीएम की अगली मीटिंग होगी उसमें हम बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सुन रही थी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीडीएम में रखूंगा इस बात को, तो जब वो रखेंगे तो हम इस चीज़ पे उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आई एम श्योर आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि कितने प्रेशर्स हैं मीडिया के ऊपर। टीवी पे आप जो दिखाते हैं और जो हालात ग्राउंड पे वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मीडिया पे आप जो मर्जी दिखाएं, जो आवाम के घरों के हालात हैं असल हालात वो हैं, उसके लिए कोई अवेयरनेस रेज करने की जरूरत नहीं है। आवाम जिस चीज़ से, जिस मुसीबत से, जिस मुश्किल से रोज गुजरते हैं असल अवेयरनेस वो है। आवाम के अंदर अवेयरनेस जो है वो इस गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस लेके आती है, और परफॉर्मेंस आपके सामने हर रोज़ महंगाई का एक नया तूफान आता है, मिस गवर्नेंस का एक नया तूफान आता है, जो पाकिस्तान के 73 सालों में नाकामी नहीं हुई वो इन 2.5 साल में। जब पीडीएम की अगली मीटिंग होगी उसमें हम बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सुन रही थी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीडीएम में रखूंगा इस बात को, तो जब वो रखेंगे तो हम इस चीज़ पे उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आई एम श्योर आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि कितने प्रेशर्स हैं मीडिया के ऊपर। टीवी पे आप जो दिखाते हैं और जो हालात ग्राउंड पे वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मीडिया पे आप जो मर्जी दिखाएं, जो आवाम के घरों के हालात हैं असल हालात वो हैं, उसके लिए कोई अवेयरनेस रेज करने की जरूरत नहीं है। आवाम जिस चीज़ से, जिस मुसीबत से, जिस मुश्किल से रोज गुजरते हैं असल अवेयरनेस वो है। आवाम के अंदर अवेयरनेस जो है वो इस गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस लेके आती है, और परफॉर्मेंस आपके सामने हर रोज़ महंगाई का एक नया तूफान आता है, मिस गवर्नेंस का एक नया तूफान आता है, जो पाकिस्तान के 73 सालों में नाकामी नहीं हुई वो इन 2.5। ताज़ा तरीन सूरतेहाल से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।